जदयू में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर सीएम रहते शिबू सोरेन को तवांग में दी थी शिकस्त, तब से आए थे चर्चे में। झारखंड विधानसभा चुनाव में कितना फायदा कर पाएंगे राजा पीटर? तवांग विधानसभा क्षेत्र में राजा पीटर का है अलग पहचान। क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू के द्वारा भाजपा पर किया जा रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स? नमस्कार, मैं पिंटू कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपन झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां साह और मत के खेल में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां चाह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करे। इसी को लेकर एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू भी झारखंड में अपने खोए सीटों को फिर से अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी एक लगाए हुए है। जदयू भी चाह रहा है कि झारखंड में अपना पैर फैलाए, जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव सर पर है और यहां पर एनडीए गठबंधन के सहारे जदयू अपनी दबदबा बनाने में लगा हुआ है। इसी को लेकर कुछ सप्ताह पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय के रूप में हरा कर चर्चा में आने वाले झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय को जदयू में शामिल कराया गया और तब से जदयू एनडीए गठबंधन भाजपा को झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने को लेकर जोर लगाए हुए है। और इसी कड़ी में दो दिन पूर्व झारखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को हरा कर चर्चा में आए हुए गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को भी राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर स्थित जदयू पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद निशार, झारखंड जदयू के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र महतो और सुशील सिंह की उपस्थिति में जदयू का दामन थमाया गया। जदयू का दामन थामते ही झारखंड विधानसभा में होने वाले चुनाव में कई कयास लगने चालू हो गए। उधर पहले झारखंड जदयू में सरयू राय के दम पर ही 5 से 6 सीट मांग रहा था और अब राजा पीटर के आने से सरयू राय और झारखंड जदयू को और मजबूती मिला है। झारखंड एनडीए में सिर्फ भाजपा के साथ आजसू का गठबंधन रहता था, परंतु इस बार जदयू भी अपना दावा ठोक रहा है और भाजपा जदयू को खुश करने के लिए 1-2 सीट तो जरूर देगा ही, क्योंकि केंद्र सरकार जदयू के सपोर्ट से ही चल रहा है। इसलिए झारखंड में जदयू को 1-2 सीट देकर उसे खुश करना चाहेगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू को कितना सीट दिया जाता है और कौन कौन सी सीट दी जाती है। वैसे तो चर्चा है कि जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, मांडू, तमाड़, देवघर, बागमारा सहित अन्य सीटों पर जदयू अपना दावा ठोक रहा है। इधर अंदर खाने में चर्चा हो रही है कि जदयू केंद्र सरकार में भाजपा को सपोर्ट करके झारखंड में भाजपा के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना चाहता है। अब जदयू को जितना भी सीट दिया जाएगा वह तो भाजपा के ही कोटे से दिया जाएगा, क्योंकि गठबंधन भाजपा के साथ है ना कि आजसू के साथ। अब देखना होगा कि भाजपा अपने सहयोगी जदयू को कौन कौन सी सीट देकर उसे अपने पाले में करने में सफल होता है, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जदयू ने एनडीए गठबंधन से टिकट देने का वादा किया है, तभी वह जदयू में शामिल हुए हैं। राजा पीटर का माल तमाड़ विधानसभा सीट है, क्योंकि तमाड़ से ही साल 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव में पीटर ने जदयू के टिकट पर चुनाव जीता था और वह भी किसी अन्य ऐरू गैरू नेता को चुनाव में पटकनी नहीं दिए थे। वह उस समय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पटकनी देकर चर्चा में आए थे। इसके बाद वह झारखंड सरकार में 2010 में उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री भी बनाए गए। इधर सूत्रों का कहना है कि सरयू राय और राजा पीटर के पार्टी में शामिल होने से जमशेदपुर पूर्वी और तमाड़ में उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि
एनडीए गठबंधन से किसे टिकट दिया जाता है, क्योंकि तमाम सीट को भी अपना परंपरागत सीट मानने वाली आजसू पार्टी को भी तमाम सीट चाहिए, क्योंकि वहां से तत्कालीन विधायक विकास सिंह मुंडा पहली बार आजसू पार्टी से चुनाव जीते थे, जिसके बाद वह पार्टी छोड़कर झामुमो में चले गए और पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम के टिकट पर लड़े विकास सिंह मुंडा ने जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर आजसू पार्टी के राम दुर्लभ सिंह मुंडा रहे थे। इसी को लेकर आजसू पार्टी भी इसे अपना सीट बताकर एनडीए गठबंधन के तहत अपने प्रत्याशी राम दुर्लभ सिंह मुंडा को एक बार फिर से मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या राम दुर्लभ सिंह मुंडा को वहां से टिकट मिलता है या राजा पीटर को मिलता है, या इसके अलावा भाजपा किसे अपने नेताओं को उतारता है। जदयू में राजा पीटर के शामिल होने से जदयू को क्या फायदा है, क्या नुकसान है और तमाम में किसकी स्थिति मजबूत है, कौन प्रत्याशी जीत सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।